Once again, welcome back student, एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी अपनी पढ़ाई लिखाई पर। और हम कॉलिंस जो हमारी क्लास 8 का जो फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 के बारे में बात करेंगे, जो है हमारा मदर्स नेचर ट्रेजर। ठीक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है और उतने ही शानदार तरीके से, उतने ही ब्यूटीफुली मैनर्स में पोइट ने इसको एक्सप्रेस किया है। इस पोएम को समझने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी समरी के बारे में। तो इसमें मैंने बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट जो पार्ट हमारा आता है वो है द पोइम मदर्स नेचर ट्रेजर प्रेजेस द ब्यूटी एंड वंडर द नेचर्स बर्ड। क्या हो रहा है कि जो ये जो पर्टिकुलर पोएम है, जो पोएट इस पर्टिकुलर पोएम के थ्रो जो है जो ब्यूटी और द ब्यूटी और जो वंडर है नेचुरल वर्ड्स के, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। स्पीकर जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं, स्पीकर यानी कि जो हमारे पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो एक्सप्रेस करते हैं हिज थैंक्स, अपना थैंक्स फॉर नेचर्स बेसिक प्लेजर की नेचर ने जो हमें बेसिक प्लेजर दे रखे हैं जो सभी के लिए कॉमन होते हैं, सच एज द सन स्प्लेंडर रेनबो मैजेस्टी एंड द साउंड ऑफ बर्ड। ये तीन जो कॉमन चीजें हैं वो सभी के लिए हैं, सन सभी के लिए होता है, रेनबो सभी के लिए आता है, वर्ड्स ऑफ साउंड सभी के लिए है। ऑल्सो ही रिकॉग्नाइज द नेसेसिटी टू प्रोटेक्ट, हमेशा वो जो है ये भी जो है रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये नेसेसिटी है कि हम इसको प्रोटेक्ट करें, इसको हमारी नेचर्स को एंड प्रिजर्व करें इसको द एनवायरनमेंट को एंड बिलीव इट इज अवर ड्यूटी टू डू सो, और वो ये मानते भी हैं कि हमारी ड्यूटी है इसे करने के लिए। सेकंड जो पार्ट हमारा आता है वो यहाँ पे हमने बात की हुई है, वी कैन एक्सप्लेन, हम जो एक चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं जो वार्मथ एंड द हैप्पीनेस है दैट कम लाइंग इन द सन, जो सन में लाइंग करती है या सन में छुपी हुई है ऑन द क्लियर डे, और अ थ्रिल जो पर्टिकुलर जो रोमांच है और जो वंडर है ऑफ द सीइंग अ रेनबो, जो हमें रेनबो देखने के बाद आता है एक्सटेंड, जो कि एक्सटेंड हो रहा है अक्रॉस द स्काई आफ्टर स्टॉर्म, एक तूफान के बाद में जब एक सन जो है एक्सटेंड होता है, जब रेनबो बन रहा होता है, हम जब रेनबो देखते हैं तब वो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करते हैं, बहुत ज्यादा थ्रिल महसूस करते हैं, वंडर महसूस करते हैं। फॉर इंस्टेंस एक बोल सकते हैं एग्जांपल के लिए, मोरओवर द यू कुड रिफ्लेक्ट, आप जो रिफ्लेक्ट कर सकते हो ऑन द न्यूलेस फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स को एंड ट्रीज को, ट्रीज स्पाइसीज होती है दैट ग्रो नियर बाय, जो आपके आसपास जो है उग रही हैं, एक्सप्लोर देयर यूनिक टोन, जो अपने एक्सप्लोर करती हैं अपने यूनिक टोन्स के बारे में, शेप्स के बारे में एंड सेंस के बारे में। थर्ड जो पर्टिकुलर पार्ट हम यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं वो है यू माइट एग्जाम्स सम ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट्स, आप कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में भी डिस्क्राइब किया इसको इतने, लाइक दैट ह्यूमन हैव हैड एन नेचर, जो ह्यूमन है उनका एक नेचर होता है सच एज द पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन फैलाते होते हैं, डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देते हैं, क्लाइमेट चेंज लेके आते हैं, टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द एनवायरमेंट, जिससे कि हाईलाइट करते हैं जो सिग्निफिकेंस है हमारी एनवायरमेंट की, एनवायरमेंट प्रोडक्शन की। एवन मोर यू माइट ऑल्सो टॉक अबाउट वेज ऑफ लेसन अवर इम्पैक्ट, यहाँ जो है हम बात कर सकते हैं उन तरीकों के बारे में, वेज टू लेसन जो हमें लेसन सबक देते हैं इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, जो हमारे एनवायरमेंट पर इम्पैक्ट डालते हैं, सच रिसाइकलिंग यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड यूजिंग लेस नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, एंड लास्ट जो पर्टिकुलर यहाँ जो पार्ट आता है वो आता है हमारा सब्सिक्वेंटली बोल सकते हो फाइनली, या मदर नेचर ट्रेजर इज अ लवली पोएम, बहुत ही लवली पोएम है टू द नेचर्स वर्ल्ड, एक नेचर वर्ल्ड के लिए एंड एंड और रिमाइंडर, एक रिमाइंडर है दैट इज आवर ड्यूटी, की हमारी ये ड्यूटी है टू सेफगार्ड एंड प्रिजर्व इट इज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, की हमारी ड्यूटी है, ये हमारी मॉरल ड्यूटीज भी है कि हम इसको सेव करें, प्रिजर्व करें हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी, ब्यूटी को अप्रिशिएट करना ऑफ नेचर एंड अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ थैंक, ये मतलब वास्तव में थैंक्स के सिग्निफिकेशन को जानना, प्रिकॉशन लेना टू प्रोटेक्ट इट्स बाय यूजिंग कंसेंट्रेट एग्जांपल एंड आउटलाइन टेक्निक्स एंड केयर फॉर द एनवायरनमेंट, हम जो है इसको आउटलाइन टेक्निक यूज कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। या ऑल ओवर इस पर्टिकुलर, यहाँ इसके बारे में बात की जाए, ये पर्टिकुलर पोएम के बारे में बात की जाए तो ये पूरी की पूरी जो पोएम है वो डिवोट की है पोइट ने नेचर्स के लिए, नेचर्स की ब्यूटी के बारे में। इवन उन्होंने वहां कुछ पार्ट इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है कैसे जो ह्यूमन है उस वो अपनी हैबिट के चलते, अपनी आदत के चलते कैसे इसको नुकसान पहुंचा रहा है और क्यों, वो बताते हैं कि वो हमें इसे प्रिजर्व करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर की जो पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस है, जिसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हमें छोटा सा स्टैंजा दिया हुआ है, आप बोल सकते हो कुछ हमारी पोइम की लाइंस दी है, उनके बेसिस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमारी लाइंस हैं, मदर्स नेचर स्माइल लेट मी देन रीच टू टेक माय हैंड्स सी वॉक मी अक्रॉस द कंट्री साइड टू व्यू द ट्रेवल लैंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है हाउ हैज नेचर बीन डिस्क्राइब द स्पीकर, स्पीकर ने नेचर को डिस्क्राइब कैसे किया हुआ है। तो नेचर हैज बीन डिस्क्राइब एज अ मदर, उस एक मदर की तरह जो है डिस्क्राइब किया है, जो हमें हर हाल में अपने हर सारे दर्द को सह के भी हमें जो है हमारा ब्रॉटअप करती है, हमें पालती है, हमारी हर गलती को माफ कर देती है। क्या होता है कि हम जो है हर वक्त नेचर को डिस्ट्रॉय करने पर लगे हुए हैं, तरह तरह के केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं, वेपन्स यूज हो रहे हैं, कहीं पे भी एटोमिक बॉम्ब अब तो हो गया है,
लाइक आपने देखा हो जब हमारी जापान में जो हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी पे जो देखा गया पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी नेचर्स को जो पोइट है वो डिस्क्राइब करती है मदर की तरह, वो सब चीजों को भूल के मतलब केवल अच्छों की बर्बाद करती है। सेकंड जो हमारे क्वेश्चन से पूछा गया है वो है वेयर डिड मदर नेचर टेक द स्पीकर, कहाँ पे जो मदर नेचर ने इतनी है स्पीकर को, तो मदर नेचर टुक द स्पीकर अक्रॉस द कंट्री साइड पे इतनी है मतलब जो आउटसाइड एरिया है, तो द एरिया वेयर ह्यूमन बींग लिव्स एक्सप्लॉइटेड एंड अब्यूज नेचर रिसोर्सेज, जहां पे क्या ह्यूमन बींग जो है एक्सप्लॉइटेड कर चुके हैं एंड अब्यूज एक खतरा बन चुके हैं नेचर रिसोर्सेज के लिए, वहां पे जो है मदर नेचर उसको उठती है। नेक्स्ट जो पर्टिकुलर पार्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है लाइन सबसे कही जा रही है, इसके लिए क्वेश्चन पूछे हैं, सी आस्क्स मी व्हाट इज द वर्थ ऑफ द रीड एडल्स कॉज एज द फ्लाइज टू फीड रोने की आवाज है, मतलब जो है कैसे ये केवल ह्यूमन की हैबिट की वजह से जो वर्ड्स है वो भी इफेक्टेड हो गई है, ट्रीज को दिन ब दिन काटा जा रहा है या बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया जा रहा है। अभी तो आपने देखा होगा रिसेंटली न्यूज चल रही है 5G जो हमारे इंडिया में डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से चिड़ियां बहुत ज्यादा मर रही हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं बर्ड्स के क्राई की वजह से जो हमारी मदर नेचर है पोइट का ध्यान जो है अपनी तरफ खींचती है। सेकंड जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, वेयर वॉज द रेड टेल फ्लाइंग, रेड टेल जो है कहां फ्लाइंग करती है, रेड टेल वॉज फ्लाइंग टू द फाइन फूड फॉर हर चिल्ड्रन, जो रेड टेल बर्ड है वो फ्लाइंग कर रही है खोजने के लिए खाना टू हर चिल्ड्रन अपने बच्चों के लिए। नेक्स्ट जो पर्टिकुलर यहाँ पे जो पार्ट आता है, देयर इज नो गिविन वर्ड एट ऑल इन द नेचर्स प्राइसलेस ट्रेजर, देयर इज नो वे यू कुड एवर पे यूजिंग द डॉलर एज योर नेचर, इसके बेसिस पे हमसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर नेचर्स प्राइसलेस ट्रेजर, नेचर का जो प्राइसलेस ट्रेजर है वो क्या है। तो यहाँ आंसर्स हमारे आते हैं माउंटेन्स रिवर्स वाइल्ड लाइफ प्लांट्स एयर एंड ऑल अदर थिंग्स फाउंड इन द एनवायरमेंट आर नेचर्स प्राइसलेस ट्रेजर, ये सारी चीजें माउंटेन्स हमें फ्री मिल सकते हैं, रिवर्स हमारे लिए फ्री है, वाइल्ड लाइफ हमारे लिए फ्री है, प्लांट्स हैं, एयर्स हैं, और सारी चीजें जो एनवायरमेंट में मिलती है वो नेचर का प्राइसलेस ट्रेजर है, मतलब ऐसा ट्रेजर जिसके लिए हमें कोई पैसा सिंगल खर्च नहीं करना होता। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेकंड लाइन, सेकंड लाइन से आप क्या समझते हैं, द वे यू कुड एवर पे यूजिंग डॉलर एज योर नेचर, द सेकंड लाइन टेल अस दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन मनी और डॉलर, ये मतलब जो हमारी नेचर ने जो हमें गिफ्ट प्रोवाइड करे हैं उनको कभी भी हम जो है कंपेयर नहीं कर सकते, जो है कभी भी उसे एवलेट नहीं कर सकते विद मनी और डॉलर, मनी से हम डॉलर से, ठीक है ना, क्योंकि कोई जो है अमेरिकन है इसलिए डॉलर वर्ड यूज किया हुआ है, मनी हम नहीं कर सकते। फोर्थ जो पर्टिकुलर यहाँ पे हमें लाइन दी हुई है अगेन, वन सेकेंड, यहाँ पे जो हमारी लाइन्स आती हैं, अगेन शी होल्ड्स माय हैंड इन हर्स एंड सॉफ्टली स्टार्ट टू स्पीक माय ट्रेजर एंड माय प्लेजर बिलोंग्स टू ऑल हु डू देयर शेयर्स, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर यहाँ क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है हाउ डज मदर नेचर स्पीक टू द पोइट, कैसे जो है वो बात करती है, तो मदर नेचर स्पीक टू द पोइट इन द ट्रैवलिंग वॉइस, एक काफी हुई आवाज में बात कर रही है कि मतलब वो उतनी ज्यादा एक तरह से जो लाइक जो विक्टिम होता है वांटेड पर्सन होता है जो कांपते और कांप रहा है, ऐसे नेचर को ऐसे लगता है कि वो पूरी तरह से घायल है और बहुत कांपती आवाज में जो है उनसे बात करती है। सेकंड जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डू यू और व्हाट डू ऑल द ट्रेजर्स एंड प्लेजर्स ऑफ नेचर्स बिलोंग्स टू, तो ऑल द ट्रेजर्स एंड प्लेजर्स आर ऑफ नेचर्स बिलोंग्स टू ऑल हु विलिंग टू शेयर दीज रिसोर्सेज एंड टेक केयर ऑफ दैट, यहाँ पे हमसे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं थिंक एंड आंसर्स के हमें 3 क्वेश्चन हैं। व्हाट इज मैन डन टू द प्रीसियस अर्थ, यहाँ पे क्या होगा, मैन हैज मिसयूज एंड अब्यूज द प्रीसियस अर्थ, उन्होंने मिसयूज किया है अब्यूज किया है इस प्रीसियस अर्थ को। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द हर्ड वुल्ड डू, व्हाई द हर्ड वुल्ड मेड अ कॉल टू चैलेंज द ह्यूमन बींग हु आर थ्रेटनिंग देयर हैबिटेट, एंड थर्ड हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हाउ डिड द स्काई लुक ड्यूरिंग द सनसेट, द sky look very colorful during the sunset, yahan is next jo humse fourth question pucha ja raha hai how was the quiet sky, to yahan pe aayega the quiet sky is very sad, second fifth humse question pucha ja raha hai what did mother nature say about selling her treasure, to yahan pe mother nature does not ever want to sell her treasure, and sixth humse why did mother nature's have tears in her eyes, so mother nature's have tears in her eyes thinks about the way mankind has abused and misused nature's treasure,
तो यहाँ पे ये हमारे जो है क्वेश्चन स्प्लिट होते हैं, यहाँ पे आता है सीथिंग एंड आंसर क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है, इन द पोएम मदर्स नेचर सेज दैट मैन हैज कंफ्यूज्ड एंड अब्यूज्ड थिंग विद द इनेन थॉट्स ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लेन एंड सी मींस व्हाई दैट। आपको बताना है कि इसका मतलब क्या हुआ, या पर्टिकुलर स्टेटमेंट के द्वारा जो हमारी नेचर से वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ के लिए आंसर आता है क्योंकि लॉन्ग है, लॉन्ग भी हमने डिस्क्राइब किया है। मदर नेचर सेज, मदर नेचर है वो कहती है दैट मैन हैज कंफ्यूज्ड एंड अब्यूज्ड थिंग with the inane things of the world, that man had destroyed, ये जो particular यहाँ पे 00 है by mistake type हुआ चाहिए, मगर मैं ignore मारी है, meaning that man, इसका मतलब है that mean, यहाँ पे इसका मतलब है that mean that, meaning that man has destroyed the nature world to hold things that are meaningless. Human has cut trees and built concrete buildings. जो human है वो क्या कर रहे हैं, trees को cut कर रहे हैं और concrete buildings बना रहे हैं. They killed animals for their furs. उनके animals को मार दिया जाता है कि उनके furs के लिए and silk के लिए, and make cloths and other goods. उससे जो है कपड़े बनाए जाते हैं, दूसरी चीजें बनाई जाती हैं. Thereby investing in the things, इन चीजों में invest करते हैं that can be bought, जिसको रखता है with money at the cost of the nature's treasure. केवल नेचर टेजर की कॉस्ट पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो थिंक एंड आंसर का अलग क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ साथ हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, और यहाँ पे टाइम आता है आप सबसे अलविदा लेने का। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, बट 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 अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में कोई भी चीज वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों का जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।